बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इस तरह से नेम इंडिकेट कर रहा है, ग्लोबल मींस रिलेटेड टू अर्थ एंड वार्मिंग मींस कि किसी चीज का वार्म हो जाना, हीटअप हो जाना। सो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे, दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। दिस इज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सारा कुछ हो रहा है। क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे, क्या क्या चेंजेस आई हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में फ़र्क क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो नेचुरल क्या चीज़ होगी जो कि इन बिल्ट है, जो कि पाई जाती है, जो कि होनी ही होनी है। सो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है किसी भी सूरत में। जो नेचुरल है उसमें क्या है कि उसमें जो सन है उसकी रेज आ रही हैं अर्थ तक, सोलर रेडिएशन आ रही हैं अर्थ तक, और उसके बाद ये इस्केप हो रही हैं, मोर हीट इस्केप, यानी बहुत सारी हीट जो सूरज से अर्थ तक पहुंच रही है वो वापस स्पेस में जा रही है, जबकि थोड़ी बहुत हीट क्या हो रही है, वो ट्रैप हो रही है विद इन द एटमोसफेयर। ये एटमोसफेयर की ट्रोपोस्फेयर यानी जो पहली लेयर है उसकी बात कर रहे हैं। ये बात हो गई कि बहुत सारी रेज आ रही हैं, सोलर रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का नाम देते हैं, वो अर्थ तक आ रही हैं, बहुत सारी जो है वापस जा रही है स्पेस में, जबकि कुछ जो है वो ट्रैप हो रही हैं, जिनको हम आईआर रेडिएशंस या इंफ्रारेड रेडिएशंस का नाम देते हैं। ठीक है, सो कुछ हीट ट्रैप हो रही है जिसकी वजह से अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो मेंटेन्ड है, अर्थ में बहुत ज्यादा ठंड नहीं हो जाती। बिकॉज अगर ये जो हीट यहां पर ट्रैप हो रही है, अगर इतनी हीट ट्रैप नहीं होगी यहां पर, तो इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, दैट विल बी अनइनहैबिटेबल, यानी रहने के काबिल भी नहीं रहेगी जमीन अगर इतनी हीट ट्रैप ना हो। ठीक हो गया, यानी ये तो नेचुरल प्रोसीजर है जो कि बहुत जरूरी है होना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है जी ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें मेनली हमारे पास आ जाती है जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं, मीथेन है, वो सारी चीजें। ठीक हो गया, सो मेन चीज इसमें जिस गैस को हमने डिस्कस करना है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ग्रीन हाउस गैसेज अगर अपनी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में है तो ये एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो एटमोसफेयर का टेम्परेचर है, जो ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर है, वो मेंटेन्ड है, वो इतना है कि एटलीस्ट ये हैबिटेबल है, रहने के काबिल है। सो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर सूरज से रेडिएशन आ रही है और वो वार्म कर रही है, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो हैप्पी हो गई है। ठीक है, ये जो लेयर है साइड्स पे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स की लेयर है, राइट जी। सो ये तो हो गया नेचुरल प्रोसीजर दैट इज एसेंशियल, जो कि होना जरूरी है फॉर लिविंग ऑन द अर्थ, टू मेक द अर्थ हैबिटेबल। नाउ ह्यूमन एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब ये वो वाला इफेक्ट है जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है, इनहेंस हो गया है और ये हमारे लिए अब हार्मफुल भी हो रहा है, राइट अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें सन है जी, रेडिएशन आ रही हैं अर्थ तक, लेस हीट एस्केप्स आउट इनटू द स्पेस, जो स्पेस में हीट जा रही है वो कम है और बहुत सारी हीट ट्रैप हो रही है। अब हीट ज्यादा ट्रैप क्यों हो रही है, ड्यू टू मोर ग्रीन हाउस गैसेस। यहां पर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, मीथेन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। इन इंक्रीज्ड गैसेस की वजह से बहुत सारी हीट ट्रैप हो जाएगी, हीट के ट्रैप होने की वजह से क्या होगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसी चीज को हम ह्यूमन एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उस फिनोमेना को हम अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं, राइट। सो फर्क क्या है इन दोनों में, देख लीजिए कि यहां पर क्या था, सूरज की रेडिएशन तो आ रही थी, सोलर रेडिएशन आ रही थी, लेकिन ज्यादातर हीट एस्केप हो रही थी, लेकिन यहां पर कम हीट एस्केप हो रही है और ज्यादा हीट ट्रैप हो रही है। जब ज्यादा हीट एटमोसफेयर में ट्रैप होगी तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ज्यादा हीट ट्रैप क्यों रही, ड्यू टू मोर ग्रीन हाउस गैसेज। यहां पर ग्रीन हाउस गैसेज जो रेड कलर में आपको नजर आ रही है इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां पर ये रेड कलर में बहुत ज्यादा है, दैट इंडिकेट्स कि कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेज के ज्यादा होने की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देंगे। ठीक है जी, सो ये जो है ना जमीन में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सन की जो रेडिएशन है वो पहुंच रही हैं अर्थ तक, कुछ ट्रैप हो रही हैं, कुछ वापस जा रही हैं।
अगर एस्केप ज्यादा होंगी, ट्रैप कम होंगी, तो वो एक नेचुरल प्रोसीजर है। लेकिन अगर ट्रैप ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी ड्यू टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि अब हो रहा है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने की वजह से, मीथेन के ज्यादा होने की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तो उसकी वजह से बहुत सारी हीट ट्रैप हो रही है, और बहुत सारी हीट के ट्रैप होने की वजह से अल्टीमेटली जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है अर्थ का, ठीक है। और ये जो इंक्रीज टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हार्मफुल भी है, राइट जी। सो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम अपनी बुक पे आ गए हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब आप बुक पे हेडिंग्स बनाते जाइएगा इसी तरीके से। सो नॉर्मल, अब हम नॉर्मल की बात करेंगे, नेचुरल प्रोसीजर, नेचुरल जो हमारे पास फिनोमेना है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अर्थ तक सन रेज पहुंचेंगी, वो रिफ्लेक्ट होंगी कुछ अपर एटमॉस्फेयर में, या हम कहेंगे कि स्पेस में वापस चली जाएंगी, और कुछ जो है वो रिटेन हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितना हो जाएगा, सॉरी 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। पहले कितना था, -20 होता अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हीट ट्रैप ना होती, ठीक है। अगर ये हीट ट्रैप ना होती, इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, तो अर्थ का टेम्परेचर -20 होना था, जो कि बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं है, ठीक है, रहने के काबिल नहीं है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, हम नहीं रह सकते इतने टेम्परेचर में। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ब्लेसिंग, इसकी वजह से ही अल्टीमेटली क्या हुआ है कि ये जो टेम्परेचर है ये मेंटेन हुआ है, और ये हो गया है अप टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जिस तरह से यहां पर आप देख रहे हो। तो CO2 is not an air pollutant, air pollutant नहीं है if it is in the normal concentration, अगर normal concentration में है तो ये कभी भी pollutant नहीं है, लेकिन अगर इसकी concentration बढ़ जाएगी then obviously it will cause greenhouse effect and global warming and ultimately it become a pollutant, ठीक है। So natural balance create करता है carbon dioxide और oxygen, और natural balance है उसके लिए भी carbon dioxide बहुत important है। वो balance क्या है जी, कि plants जो हैं वो carbon dioxide consume करते हैं for the sake of फोटोसिंथेसिस, और ह्यूमंस जो हैं वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। सो प्लांट्स ऑक्सीजन बनाएंगे यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और ह्यूमन रिस्पायर करेंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे। सो दिस इज द नेचुरल प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, इट इज नॉट एट ऑल एन एयर पोल्यूटेंट, बट इफ इन द इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन, इफ मोर देन द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, देन इट इज। क्लियर हो गया बात कि अगर नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो उस केस में क्या होगा कि सन रेज पहुंचेंगी अर्थ तक और ज्यादातर वापस चली जाएंगी स्पेस में, और कुछ जो है वो रिटेन हो जाएंगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है फॉर द नेचुरल बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहां पर कुछ क्वेश्चन है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, जस्टिफाई, ठीक है जी, ये आपने जस्टिफाई करना है इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए। सेकंड क्वेश्चन है जी, हाउ टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज मेंटेन्ड, सो इट इज मेंटेन्ड ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें मेजरली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हीट को ट्रैप कर लेंगे और अल्टीमेटली टेम्परेचर को जो है वो अप टू एवरेज टेम्परेचर कहां तक हो जाएगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है व्हाई नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज इंपॉर्टेंट, अगेन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर एंड टू मेंटेन द नेचुरल बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन जब हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, अच्छा कैसे हुई, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ड्यू टू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज, फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा बर्न हो रही है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, हर इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है। फॉसिल फ्यूल में हमारे पास कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम आ जाएंगे मेनली, ऑटोमोबाइल्स में है, ठीक है। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल एक्ट एज अ ग्लास वॉल, ग्लास वॉल ऑफ अ ग्रीन हाउस। तो ये जो ग्लास वॉल है ये यूवी रेडिएशंस को तो अपने अंदर से पास होने देती है, यानी यूवी आ जाती हैं लेकिन वो कहती है भाई अब तुम आ गई हो, मैंने तुम्हें वापस तो नहीं जाने देना। क्यों नहीं वापस जाने देना, बिकॉज जो लॉन्ग रेडिएशंस हैं, जो IR रेडिएशंस हैं जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है, वो जो है वो ट्रैप हो जाएंगी, बिकॉज वो इसमें से पास नहीं हो सकती। जब ट्रैप हो जाएंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, हीट असल में ट्रैप हो रही है ना, तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है जी। इट हेल्प्स टू स्टॉप सर्फेस फ्रॉम कूलिंग डाउन ड्यूरिंग नाइट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर नाइट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो अर्थ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पर हम इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ।
अच्छा, ये आपकी बुक की डायग्राम है. दिस डायग्राम इज अबाउट द नेचुरल प्रोसेस, जिसमें सन से हीट आ रही है और वो वापस नेचुरल प्रोसेस के जरिए जो है वो जा रही है इन द स्पेस या आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रैप होगी जो कि अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन कर देगी. लेकिन यहाँ पर आप देखो तो क्या हुआ है कि CO2 की जो लेयर है वो थिक हो गई है. इस थिक लेयर होने की वजह से हीट ट्रैप ज्यादा हो रही है. IR रेडिएशन यानी जो इंफ्रारेड रेडिएशन हैं वो ट्रैप हो रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. और इसी टेम्परेचर इंक्रीज होने के फिनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं. यानी ये जो प्रोसेस है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड. सो ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देते हैं. और इसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं. सो हियर इज द डेफिनेशंस. ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है जी, के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से CO2 की क्या होगा कि हीट एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होगी अर्थ सरफेस से स्पेस में नहीं जाएगी, ट्रैप होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देते हैं. और उस ट्रैपिंग को, उस वार्मिंग को और इंक्रीज्ड वार्मिंग फिनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं. आई होप आप लोगों को ये दोनों डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जो नेचुरल प्रोसेस हो रहा है या जो इन्हांस्ड प्रोसेस हो रहा है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, लेकिन उसकी वजह से जो इंक्रीज्ड वार्मिंग है, जो बहुत ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज एक्चुअली द ग्लोबल वार्मिंग. सो आप लोगों ने लर्न करना है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और इसके इफेक्ट्स आप लोग देख लीजिएगा बुक पे, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. ठीक है, इसी तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, तो उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है. और इसी तरह से जो सी लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, बिकॉज ग्लेशियर्स और जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, फ्लडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है. सही हो गया, थैंक यू जी. इफेक्ट्स लाजमी देख लीजिएगा अपनी बुक में, वो भी आपने इसके साथ करने हैं. दैट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन.